चटनी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा छोटा चम्मच खड़ा धनिया, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच अजवाइन। हम इन सब चीजों को अच्छे से क्रश कर लेंगे दरदरा। इस तरह से हमें दरदरा पाउडर बना लेना है सारी चीजों का जो लिया है मैंने। ले लेंगे खाली बाउल, इसमें डालूंगी 1 कप बेसन, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक हमें बाद में सब्जी में भी ऐड करना है, ध्यान में रख के ऐड करना। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी, जिससे गट्टे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें 3 बड़े चम्मच दही, 3 बड़े चम्मच दही और हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें पानी का कम ही इस्तेमाल करना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल भी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें आटा लगा लेना है। मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, दही और जो घी ऐड किया था उसी से अच्छे से आटा लग गया है। अब हम इसे बेलन पे हाथों की मदद से अच्छे से मसलेंगे, ताकि घी और दही अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें बहुत अच्छे से हमें मसलना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से मैंने मसल लिया है। अब हम इसे अच्छे से इसे लंबे आकार में इसे रोल बना लेंगे। इसे सारे आटे की मैं रोल बना लूंगी। फ्रेंड्स देखिए, हमें इस तरह से इतने मीडियम साइज में इसे रोल बना लेने हैं। अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने एकदम हाई टेम्परेचर पे पानी गर्म करके रखा हुआ 1 लीटर पानी लिया है। पानी अच्छा गर्म होना चाहिए। मैं एकदम लो फ्लेम करके इसमें इसे ऐड कर दूंगी। अब हम इसे मीडियम हाई पे बॉईल होने देंगे 10 से 12 मिनट। अगर ये ऊपर आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे हमारे रोल अच्छे से बॉईल हो गए हैं। जब तक हमारे गट्टे बॉईल हो रहे हैं, हम जब तक मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 बाउल में 4 बड़े चम्मच दही लूंगी। मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी भुनी हुई। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना के रख लेंगे। दो प्याज ले लूंगी, इसे एकदम बारीक बारीक चॉप करना है। अब हम गट्टे भी चेक कर लेंगे हमारे गट्टे हो गए हैं कि। देखिए 10 से 12 मिनट हो गए बॉईल होते होते, ये ऊपर आ गए, मतलब हो गए अच्छे से। मैं गैस बंद कर दूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारे गट्टे अच्छे से बॉईल हो गए। हम इसको से कट लगा लेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। हम इसे फ्राई भी करेंगे हल्का सा और टेस्टी बनाने के लिए गट्टे की सब्जी। फ्रेंड देखिए, ऐसे मीडियम साइज में कट कर लेने। देखिए
अब हम इसे हल्का सा फ्राई भी करेंगे जिससे और टेस्टी लगेगी हमारे गट्टे। मैंने ऑयल गरम कर लिया है, एक एक करके हम गट्टे को अच्छे से फ्राई होने देंगे। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा ही फ्राई करना है। फ्रेंड्स देखिए, हमें इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है। इसी तरह हमें सारे गट्टे फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें एकदम फ्राई करने, एकदम से फ्राई नहीं करने हैं, इतने ही फ्राई करने हैं, 1-2 मिनट तक ही फ्राई करने से एकदम अच्छे जूसी गट्टे की सब्जी बनेगी। अब हम जल्दी से सब्जी बनाना शुरू करेंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। देखिए, इतने बारीक अनियन चॉप कर लेने हैं एकदम से। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भुनेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें प्याज भूनना है, कलर चेंज करके एकदम से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्यूरी बनाई थी, अदरक लहसुन और टमाटर की, उसे मैं ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें टमाटर को अच्छे से, देखिए जो प्योरी बनाई थी, आधी तेल ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। देखिए, अब मैं गैस को एकदम लो करके इसमें ऐड करूँगी ये पेस्ट जो हमने दही का मसाला बनाया था, वो इसमें ऐड करूँगी। चलाते हुए इसे मिक्स करना है, नहीं तो दही फट जाएगी। गैस को मीडियम पे ही रखिए और अच्छे से चलाते हुए पकाइए एकदम अच्छे से। ऑयल ऊपर जब तक अच्छे से हमें चलाते हुए पकाना है, फिर अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। कितनी अच्छी, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे मीडियम पे। फ्रेंड देखिए, इसमें मैं 1 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी, इतना काफ़ी है। इसे मिक्स कर लूँगी और इसमें हल्का सा नमक भी ऐड करूँगी। नमक मैं कम ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने गट्टे में भी ऐड किया, तो मैं वही देख के थोड़ा कम ही ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा हो जाएगा नमक। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मैं दही और मसाले को अच्छे से पकाऊँगी जब तक कि अच्छे से ऑयल ऊपर में आ जाए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में मसाला, खाने में बहुत टेस्टी लगती है गट्टे की सब्ज़ी इस तरह से बनाऊंगे तो। एकदम नए तरीके से बता रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी। फ्रेंड्स देखिए, हमारा मसाला एकदम अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 1.5 गिलास पानी, आधा गिलास पानी और ऐड करूँगी, आधा ग्लास और ऐड कर रही हूँ मैं। 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें एक बॉईल आने दूंगी, एक बॉईल आने के बाद हम इसमें गट्टे ऐड करेंगे। फ्रेंड्स हम एक बार चेक कर लेंगे बॉईल आ गया है कि, देखिए कितनी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं गैस को एकदम धीमा करके ये सारे गट्टे इसमें ऐड कर दूँगी। इसे मिक्स कर लूँगी और इसे एकदम लो फ्लेम पे मैं अच्छे से थोड़ी देर पकने दूँगी, 10 मिनट तक। फ्रेंड्स हम एक बार गट्टे की सब्जी चेक कर लेंगे, 10 मिनट हो गए हैं बॉईल होते होते। देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम देखिए सॉफ्ट बने गट्टे, देखिए कितनी सॉफ्ट बनेगी जैसे मैंने बनाया। आप इस तरह से बनाओगे तो आपके गट्टे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये अच्छी बनी है गट्टे की सब्जी,
एकदम सॉफ्ट बने गट्टे। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। फ्रेंड्स, मैं एक बाउल में निकाल लूंगी गट्टे की सब्जी। फ्रेंड्स, देखिए कितनी टेस्टी एकदम मज़ेदार बनी है गट्टे की सब्जी। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। सो फ्रेंड बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हम अगली वीडियो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।